हमने कुछ लोगों से पूछा कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहेंगे। मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी। बचपन से ही मुझे फोटोग्राफी का शौक रहा है, वही करूंगा। मैं तो बस अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही जो पहला ख्याल आता है वो है मेरी बेटी का भविष्य। फिर हमने सभी को कुकीज देते हुए कहा कि मान लीजिए ये पैसे हैं जो आप अपने रिटायरमेंट के बाद के सपनों में लगाना चाहेंगे। हमने हर सपने के लिए एक डब्बा रखा और उनसे कहा कि इच्छा अनुसार जिस सपने में आप जितना निवेश करना चाहेंगे उसी के अनुसार डब्बों में कुकीज भरें। अनु और मैं थोड़ा पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बचाना चाहेंगे और बाकी के पैसों से हम बस पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद हम केरला जाना चाहेंगे और एक रिटायरमेंट होम खरीद के वहीं सेटल होना चाहते हैं। हाँ, यही तो हमारा सपना है। रिटायरमेंट के बाद मैं अपना सारा वक्त समाज सेवा के लिए देना चाहूंगा। गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेंगे, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम काफी मजेदार निकला। सपनों से जुड़े डब्बे तो पूरी तरह भर गए लेकिन सेहत का डब्बा तकरीबन खाली रहा। मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय ज्यादातर लोग अपने सपनों को सेहत से ज्यादा अहमियत देते हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर रिटायरमेंट के बाद जरा भी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? हमें अपने सपनों के लिए बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमें अपने सपनों के लिए बचाए हुए पैसों को अपनी सेहत पे खर्च करना पड़ेगा। ऐसे तब तो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए पैसे कम भी पड़ सकते हैं। एकदम ठीक। तो अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आप अभी से प्लान करना शुरू कीजिए। और प्लान करते समय ध्यान रहे कि दोनों जरूरी हैं, सपने भी और सेहत भी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.